हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, एमबीबीएस एमडी पेडियाट्रिक्स, आपका दोस्त एंड होस्ट, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर माँ बाप ये जानना चाहता है कि उसके छोटे बच्चे को कौन कौन से टीके लगने चाहिए, कौन कौन से टीकों का क्या क्या फ़ायदा है और कौन कौन से टीके कब कब लगने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में, यानी कि बच्चों के टीकाकरण के बारे में। अब जानिए, बच्चे का जो बर्थ है, बर्थ के बाद पहले ही दिन से लेके आपको बच्चे को वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। पहले दिन आपके बच्चे के इंजेक्शन लगते हैं। सबसे पहले आपका बच्चे का वैक्सीन लगता है बीसीजी का। बीसीजी का वैक्सीन जो है वो बच्चे को टीबी की बीमारी से बचाता है, तपेदिक की बीमारी से बचाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसकी जो सुरक्षा कवच है बहुत कम है, यानी कि less than 50% तक इसका सुरक्षा कवच है। तो अगर आपके घर में कोई भी टीबी से बीमार बच्चा पेशेंट है तो आप अपने बच्चे को उससे दूर रखिए। इवन इंजेक्शन बीसीजी लगने के बाद भी बच्चे को टीबी होने का डर है, और कोशिश कीजिए कि यह जो इंजेक्शन है बीसीजी का वो पहले दिन लग जाए, दूसरे विदिन अ वीक बच्चे के जन्म के बाद लगना चाहिए। दूसरा जो लगता है जन्म पे वो है बच्चे को पोलियो का ड्रॉप्स, ओरल पोलियो, जिसको हम जीरो डोज बोलते हैं। पोलियो की जो बीमारी है वो वायरल बीमारी है और बच्चे को हैंडीकैप बना देती है। बच्चे को हैंडीकैप होने से बचाने के लिए पोलियो ड्रॉप्स जीरो डोज बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा वैक्सीन जो जन्म पे लगता है वो है हेपेटाइटिस बी, यानी कि काला पीलिया, जिससे बच्चे को अगर पीलिया होता है उसे बच्चे को मतली आती है, उल्टी आती है, फीवर होता है, और जो पीलिया है वो बच्चे के लिवर पे असर करता है, जिगर पे असर करता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी काफी डेंजरस बीमारी है, और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन है वो बच्चे को काले पीलिए से बचाता है। अब उसके बाद जो बच्चे के इंजेक्शन लग रहे हैं वो है डेढ़ महीने पे आपके बच्चे को 8 वैक्सीन लगनी है। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। 8 वैक्सीन में से एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन आती है जिसको हम हेक्सा बोलते हैं। हेक्सा के अंदर 6 वैक्सीन आती हैं। 6 में से सबसे पहले DPT 3 होगी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। डिप्थीरिया हम बोलते हैं जैसे जिससे एक गले में झिल्ली सी बन जाती है, गलघोटू भी कहते हैं इसको, और ये जानलेवा बीमारी है बच्चों में। और पर्ट्यूसिस काली खांसी को बोलते हैं, काली खांसी अगेन ना जानलेवा बीमारी है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा खांसता है, खांसते खांसते बच्चे का जो मुंह है वो लाल हो जाता है। और इसी तरह जो टेटनस है, टेटनस के अंदर बच्चे के शरीर में अकड़ा आ जाता है और उसकी जो सांस नली है उसका बंद होने का डर रहता है। ये 3 टीके जो है वो मिक्स आते हैं डीपीटी के नाम से। उसके बाद जो हेक्सा के अंदर नेक्स्ट टीका होता है वो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन ओरल पोलियो की तरह पोलियो से बचाती है, लेकिन जैसे जैसे पोलियो खत्म होता जा रहा है हमारे देश से, उस हिसाब से इंजेक्टेबल पोलियो है जो वो एंटर हो गया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। क्योंकि ओरल पोलियो से पोलियो होने का डर रहता था, लेकिन इंजेक्टेबल पोलियो से पोलियो रिलेटेड जो पोलियो है वो नहीं होता। उसके बाद उसके अंदर है HIV इंजेक्शन। HIV हो जो H इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये बच्चे को मेनिंजाइटिस कर सकती है, दिमागी बुखार कर सकती है जिससे बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके साथ ये DPT IPV देन हिप जिसको हम हिप बोलते हैं, और इसके साथ आ जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस की जो सेकेंड डोज है, फर्स्ट हमने लगाई थी बर्थ पे, जो सेकेंड डोज है वो हेक्सा के अंदर बच्चे को लग जाती है। तो इस तरह जो 6 वैक्सीन है बच्चे को 6 बीमारियों से बचाती है। और उसके बाद 1.5 महीने के ऊपर ही लगता है रोटा ओरल वैक्सीन। रोटा भी एक वायरल डिजीज है, ये बच्चे को रोटा जो वायरस है बच्चे को डायरिया करता है, और सुवियर डायरिया के अंदर कई बार सुवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो रोटा वायरस है वो भी 1.5 महीने पे ओरली बच्चे को मुंह के राही हम बच्चे को पिलाते हैं। और लास्ट जो 6 मंथ पे 1.5 महीने में जो वैक्सीन लगने वाली है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसको हम निमोनिया की वैक्सीन बोलते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो बच्चे को निमोनिया करता है, और कई बार निमोनिया बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है कि बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से PCV, हम इसको शॉर्ट टर्म में PCV बोलते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन आपके बच्चे को निमोनिया से बचाएगी और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। ये जो हेक्सा, रोटा और निमोकोकल वैक्सीन है, ये महीने महीने के डिफरेंस पे 3 बार लगती है। आज की वीडियो में 3.5 महीने तक का ही मैं वैक्सीन आपको बताऊंगा, उसके बाद जो वैक्सीन लगनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
एक बात और मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, बहुत सारे पेशेंट पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि हमें बच्चे को पेनलेस इंजेक्शन लगवाना चाहिए या पेनफुल इंजेक्शन लगवाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जैसे मैं पहले बताया, एक डीपीटी का इंजेक्शन आता है जिसमें कॉम्बिनेशन में 3 वैक्सीन है। डीपीटी का इंजेक्शन बच्चे को पेन करता है। इसी में दो तरह के डीपीटी आते हैं, एक पेनलेस डीपीटी, एक पेनफुल डीपीटी। जो हेक्सा के अंदर भी आपको मिलेगा वो दो तरह की वैक्सीन मिलेगी, एक पेनलेस और एक पेनफुल। तो दोनों में से इक्वली, दोनों इक्वली गुड हैं। बस इसका फर्क ये है कि आपको जो पेनफुल वैक्सीन है वो सिविल हॉस्पिटल में मिलेगी, यानी कि पेनलेस वैक्सीन आपको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज दोनों की जो इम्यूनिटी है वो सेम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स आमतौर पर यह बात पूछते हैं कि पेनलेस और पेनफुल में क्या फर्क है। आशा करता हूं आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज किड्स केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।